नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया मिस्त्री और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारी और चीनी मिल समितियों के लिए 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी विकास के लिए महिंद्रा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ की साझेदारी। म्यांमार समूह ने रूस में सभी व्यवसायिक कार्यों को किया निलंबित। छोटे क्षेत्रों में किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक ने ITC के साथ की साझेदारी। MTD कंपनी द्वारा आयोजित की गई डीलर मीट, कई प्रोडक्ट्स किए गए लॉन्च। कृषि उत्पाद अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए नहीं होंगे आयकर के अधीन, बंगाल वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा। जॉन डीरे ने अमेरिका, जापान, जर्मनी सहित यूरोप में किया मेड इन इंडिया ट्रैक्टरों का निर्यात। फैंडिक ने जर्मन हाइड्रोजन समिट में अपना पहला हाइड्रोजन ट्रैक्टर किया प्रदर्शित। CTCRI और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल एग्रीटेक रिसर्च पर आए एक साथ। M&M पर उत्पादन का दबाव, ट्रैक्टर और SUV के लिए वितरण संकट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देने के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की शुरुआत की। इस दौरान CM योगी ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यही नहीं बल्कि रविवार को CM योगी ने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा है, ये PM मोदी के बाद ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 51,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान CM योगी ने गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि कृषि उपकरण क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता है, उन्होंने भारत भर में अपने ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी उत्पादों के लिए आसान लोन ऑप्शन प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। बता दें, ग्राहक ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की रेंज पर आर्थिक विकास ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए पास के किसी भी महिंद्रा ट्रैक्टर डीलरशिप पर जा सकते हैं या फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पास के किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में भी जा सकते हैं। म्यांमार होल्डिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 मार्च 2023 बुधवार को घोषणा की। उन्होंने कहा वह रूस में सभी व्यवसायिक संचालन बंद कर देगी। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है, म्यांमार समूह अपनी स्थानीय सहायक कंपनी म्यांमार रूस LLC के सभी कार्य को बंद कर देगा। घोषणा के अनुसार संचालन का अंत अप्रैल 2023 की शुरुआत में प्रभावी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मॉस्को में स्थित म्यांमार फरवरी 2014 से औद्योगिक उपकरण, सेवा भागों की बिक्री और सर्विसिंग कर रहा है। सस्पेंशन के कारण ग्राहक सेवा जैसे कुछ कार्यों को छोड़कर म्यांमार ने मार्च 2022 तक रूस में अपने व्यवसाय को पहले ही निलंबित कर दिया था। एक्सिस बैंक ने गुरुवार को ITC लिमिटेड के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जो कि ITC के कृषि इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये किसानों को बैंक के उधार उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं। ये सौदा एक्सिस बैंक को देश के छोटे क्षेत्रों में स्थित अनसेवित और अल्प सेवित किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करेगा। खास बात यह है कि एक्सिस बैंक किसानों तक पहुंचेगा और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यही नहीं बल्कि बैंक भारत के 656 जिलों में स्थित अपनी ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से किसानों को उत्पादों और सेवाओं का एक बड़ा मंच भी प्रदान करेगा। दिल्ली के द्वारका में स्थित होटल विवांता बाय ताज में 4 मार्च 2023 को MTD कंपनी द्वारा एक डीलर मीट का आयोजन किया गया, जहां 70 से ज्यादा डीलर्स मौजूद रहे। यही नहीं बल्कि कंपनी द्वारा इस मीट में सभी डीलर्स की मौजूदगी में 30 से ज्यादा उत्पादों को भी लॉन्च किया गया, जो हर तरह के व्यक्ति के लिए तैयार किए गए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े किसान जिन्हें कई एकड़ की जमीन में काम करना हो या फिर किसी भी तरह की बागवानी करनी हो, जैसे कि किचन या टेरेस गार्डनिंग, सभी तरह के लोगों के लिए इस डीलर मीट में कई खास उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। ये सभी प्रोडक्ट बैटरी से चलते हैं, जिनको आप एक बार चार्ज करके काफी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन उत्पादों की बैटरी बैकअप लॉन्ग लास्टिंग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से अगले दो वित्त वर्ष तक किसी भी कृषि उत्पाद पर इनकम टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया है। ये जानकारी सोमवार को वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दी। राज्य सरकार ने इस अवधि के लिए कच्ची चाय की पत्तियों पर दो प्रकार के सेस को भी हटाने की घोषणा की है। विधानसभा में वित्त विधेयक पेश करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि कृषि इनकम टैक्स पर मौजूदा छूट की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए बकाया टैक्स से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक विस्तृत और सुविधाजनक योजना शुरू की है। जॉन डीरे इंडिया ने अपने भारत निर्माण संयंत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में पूरी तरह से असेंबल ट्रैक्टरों को भेज दिया है। वहीं शैलेंद्र जगताप, प्रबंध निदेशक और कंट्री मैनेजर भारत, जॉन डीरे के अनुसार कंपनी ने 110 देशों में भारत में बने ट्रैक्टरों का निर्यात किया, जिसमें 5M देश छोड़ने वाली सबसे हालिया भाग है। इन ट्रैक्टरों की क्षमता 75 से 130 HP है और इन्हें पूरी तरह से निर्यात बाजारों के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में कंपनी अपने कुल उत्पादन का लगभग 35% निर्यात करती है। बवारियन स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड एनर्जी द्वारा हाइड्रोजन समिट की मेजबानी की गई। वहीं पहली बार फैंडिट ने अपने हाइड्रोजन ट्रैक्टर प्रोटोटाइप को प्रदर्शित किया, जहां स्टेट मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड एनर्जी यूबर्ट आइवेंजर ने कहा कि मैं हाइड्रोजन को कृषि और वानिका में आने वाले समस्याओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखता हूँ और कृषि और वानिका बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। यही नहीं, बायोगैस प्लांट्स और वन अवशिष्ट लकड़ी से भी हाइड्रोजन उत्पन्न करना संभव है। द सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रिसर्च पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों संस्थानों को देश के कृषि क्षेत्र में वैल्यू चेन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने के लिए और सहयोग करने के लिए है। यही नहीं, अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की अनुमति भी देता है। बता दें, सहयोग में स्थायी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के साथ साथ संयुक्त छात्र अनुसंधान कार्यक्रम भी शामिल होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन करने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने SUV और ट्रैक्टर सेगमेंट में कम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में चिंताओं पर अपने शेयर की कीमत में सेंध लगाई है। जबकि अच्छी खबर ये है कि विश्लेषकों को स्टॉक के प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 के लिए महिंद्रा प्रबंधन चिप की कमी की चुनौती के आसपास काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसने इसके प्राथमिक व्यवसाय को प्रभावित किया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य ट्रैक्टर की जानकारी के लिए ट्रैक्टर न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।